सिंगीदई, जिसने मुगलों की महिषासुरी सेना को 3 बार परास्त किया। 12वीं सदी का समय, बिहार का रोहतासगढ़, सोन नदी की तराई, मर्दाना भेस, हाथों में तलवार, माथे पर पगड़ी और घोड़ों पर सवार आदिवासी उराव महिलाओं की फौज और मुकाबला महिषासुर रूपी मुगलों की फौज से। सिंगीदई के शौर्य की कहानी यहीं से शुरू होती है, जिनके हाथों में इस महिला फौज की कमान थी। उरावों की लोक कथा और लोक गीतों में ये लड़ाई और राजकुमारी सिंगीदई के साहसिक कारनामे आज भी जिंदा हैं। भले ही इतिहास ने सिंगीदई, उनकी महिला फौज और मुगलों पर मिली 3 शानदार जीत को वो जगह न दी हो, लेकिन लोक कथाओं में इन वीरांगनाओं की वीरता की कहानियां जिंदा हैं। कैसी रही होंगी सिंगीदई, कैसा रहा होगा उनका बचपन और कैसा रहा होगा वो शौर्य, तो फॉलो अप की इस खास सीरीज में इसी सिंगीदई की वीरगाथा जानेंगे। गाहे बगाहे बिहार के रोहतासगढ़ का नाम इतिहास में आता रहता है। रुईदास इसी रोहतासगढ़ के राजा थे, उन्हीं की इकलौती बेटी थी सिंगीदई। राजा रुईदास के राजकाज और उनके वैभव की चर्चा दूर दूर तक होती थी। बहरहाल राजा रुईदास की बेटी सिंगीदई बचपन से ही चंचल और निडर थी। कुशाग्र बुद्धि वाली सिंगीदई शारीरिक रूप से भी काफी मजबूत थी। राजा रुईदास भी राजकाज में बेटी की सलाह लिया करते। ये देख रानी कहती, खेलने कूदने की उम्र में सिंगी को राजकाज में मत उलझाओ। राजा ने जवाब दिया, महारानी आपको सिंगी की काबिलियत का अंदाजा नहीं है, मैं जानता हूँ मेरी बेटी क्या कर सकती है। सिंगीदई को बचपन से ही घुड़सवारी का शौक था। सेनापति की बेटी कैली उसकी दोस्त और राजदार दोनों थी। अक्सर दोनों सहेलियां लंबी घुड़सवारी के लिए निकल जाया करती थी, साधारण आदमी यानी पुरुष की वेशभूषा में। घुड़सवारी के कई मकसद होते थे, जनता के सुख दुख, उनकी जरूरतों की जानकारी लेना, राज्य की सीमा पर नजर कि कहीं से कोई घुसपैठिया न अंदर आ जाए। ऐसी बातों की जानकारी सिंगीदई चुपचाप लिया करती थी। सिंगी का ये अनुभव तब काम आया जब दिल्ली पर कब्जा कर चुकी मुगल सेना ने रोहतासगढ़ पर कब्जे के इरादे से हमला कर दिया। इस हमले में रोहतासगढ़ के पड़ोसी राजाओं ने भी मुगलों का साथ दिया, जिनमें चेरो, खेरवार और अन्य पड़ोसी राज्यों के राजा शामिल थे। इससे पहले भी कई बार ये पड़ोसी राजा रोहतासगढ़ को जीतने की नाकाम कोशिश कर चुके थे, लेकिन मुगलों के आने के बाद इनका मनोबल फिर से बढ़ने लगा। अब तक समझ में आ चुका था कि सीधी लड़ाई में राजा रुईदास को परास्त करना दिन में सपने देखने जैसा है। छल से काम लिया गया। इसी दौरान दुश्मन राजाओं को खबर मिली कि रोहतासगढ़ से लुंदरी नाम की एक ग्वालिन दूध बेचने पड़ोसी राज्यों में जाया करती है। ग्वालिन को रोहतासगढ़ के बारे में सब कुछ पता था। दुश्मन राजाओं ने इस ग्वालिन के पीछे गुप्तचर लगा दिए। गुप्तचरों ने ग्वालिन को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। ग्वालिन उनको रोहतासगढ़ की खबरें देने लगी। एक दिन ग्वालिन ने उनको बताया कि उराव समाज में हर साल विशु सेंद्रा त्योहार मनाया जाता है और इस त्योहार में सभी पुरुष शिकार करने के लिए जंगल चले जाते हैं। ये त्योहार 1 महीने चलता है। इसका मतलब था 1 महीने तक पूरे राज्य में सिर्फ महिलाएं ही होती हैं। दुश्मनों के लिए इतना जानना काफी था। इधर विशु सेंद्रा का त्योहार शुरू हुआ, उधर दुश्मन राजाओं के हमले की तैयारी भी होने लगी। लेकिन उनसे एक गलती हो गई, ग्वालिन ने उनको सिंगीदई के बारे में नहीं बताया था। सिंगी सचेत थी, राजा नहीं थे तो सिंगी और भी ज्यादा चौकस थी। निश्चित दिन आने पर रोहतासगढ़ के सभी पुरुष राजा रुईदास के साथ विशु सेंद्रा के लिए निकल पड़े। पड़ोसी राजाओं ने पूरी ताकत से रोहतासगढ़ पर आक्रमण किया। सिंगीदई को हमले का पता चल गया। उसने अपनी सहेली कैली के साथ मिलकर महिला सेना तैयार की और दुश्मनों का मुकाबला किया। पुरुष वेश में लड़ रही महिला सैनिकों से दुश्मन पराजित होकर भाग खड़े हुए। कुछ दिनों बाद दुश्मनों ने फिर से रोहतासगढ़ पर हमला बोला। इस बार भी उनको पराजय का सामना करना पड़ा और ऐसा 3 बार हुआ। हारकर उन्होंने ग्वालिन लुंदरी को पकड़ा और पूछा, तुम तो कहती थी सभी पुरुष सेंद्रा त्योहार में चले जाते हैं, पर पुरुष सैनिक तो थे। यह सुनते ही ग्वालिन हंस पड़ी और बोली, वो पुरुष नहीं महिला सैनिक थी, तुम लोग महिलाओं से हार गए। मुगल और दूसरे राजाओं को ग्वालिन की बातों पर यकीन नहीं हुआ। ग्वालिन ने कहा, अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अभी जाकर देख लीजिए, महिलाओं ने अभी सोन नदी पार नहीं की होगी। सोन पार करने के दौरान वे हाथ मुंह धोएंगी और अगर वो पुरुष हैं तो एक हाथ से चेहरा धोएंगी, अगर वे महिलाएं हैं तो दोनों हाथों से अपना चेहरा धोएंगी। यह सुनते ही राजाओं ने अपने गुप्तचरों को सोन नदी की ओर भेजा।
पता चला कि ग्वालिन की बात तो सच थी, वे महिला फौज से हार गए हैं, वो भी 3 बार। उनको गुस्सा आया और उन्होंने 4th बार आक्रमण की तैयारी की, संगीदई की सेना को ललकारा। इतने कम समय में 4th हमले के बारे में संगीदई ने नहीं सोचा था। उसे राजा को भी इसकी सूचना देने का मौका नहीं मिला। इस बार सिंगी की सेना दुश्मनों का सामना नहीं कर पाई, हार लगभग तय थी। दुश्मन के हाथ लग जाना संगीदई के लिए और भी खराब होता, इसलिए उसने सभी महिलाओं को साथ लेकर गुप्त रास्ते से निकल जाना सही समझा। इस तरह संगीदई को अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा। सिंगी ने कुछ महिला और पुरुष सैनिकों को राजा के पास सेंद्रा स्थल की ओर सूचना देने भेजा। सैनिक भटक गए, जंगल में उड़ाव महिलाओं और पुरुषों के 2 समूह बन गए। इसी में से एक समूह भटकते हुए झारखंड के छोटा नागपुर में प्रवेश कर गया और पिट्रोरिया होते हुए रांची के सुत्यांबे तक पहुंचा। दूसरा समूह राजमहल की पहाड़ियों की ओर पहुंच गया। दोनों ही स्थानों पर करम पेड़ की छांव में उरावों को शरण मिली, इसलिए आज भी करम का पेड़ उरावों के लिए आराध्य है। अंततः दुश्मन संगीदई को नहीं ढूंढ पाए। बहरहाल वीरांगना संगीदई की याद में आज भी उराव समाज मुक्का सेंद्रा यानी जनी शिकार का आयोजन करता है। ये मुक्का सेंद्रा प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार किया जाता है और इसमें संगीदई को बड़ी श्रद्धा से याद किया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि संगीदई जैसी महिलाएं माँ दुर्गे की शक्ति का प्रतीक और पर्याय दोनों हैं। आज जरूरत है इनके शौर्य और पराक्रम को समझने की। रुईदास राजा की ये बेटियां थी संगीदई कैलीदई, और रुईदास राजा ने जो किला बनाया था उसको जो तुर्क सेना है और उस समय के तत्कालीन जो भी बाहरी आक्रमणकारी बोलिए, और वो लोग कब्जा करना चाहते थे, और इसलिए उन लोगों ने 3 बार हमला बोला था। संगीदई की चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि आदिवासी समाज में आदिवासी औरतें इतनी बहादुराना भूमिका में रही हैं और इतिहास रचा है कि अंग्रेजों उन लोगों ने बाहरी आक्रमणकारियों से 3 बार मुकाबला किया और 3 बार उनको परास्त किया। बाद में जब आक्रमणकारी लोगों ने पता किया, उन लोगों ने रुईदास राजा के किला में जो एक ग्वालिन थी दूध दे पहुंचाती थी उससे पता किया कि हम किनके हाथों पराजित होते हैं। तब उस ग्वालिन ने भेद का खुलासा किया कि आप जिनके हाथों पराजित होते हैं वो दरअसल औरतें हैं। तो आक्रमणकारियों ने पूछा कि ये कैसे पता चलेगा कि वो स्त्री हैं या पुरुष, क्योंकि वो तो मर्दाना के वेशभूषा में होती हैं और हथियार होते हैं उनके साथ। तो उन लोग उस ग्वालिन ने बताया कि देखो वो जब नदियों में जाती हैं, जब नहाती हैं, तो दोनों हाथ से मुंह में पानी डालती हैं। तो अगर दोनों हाथ से मुंह में पानी डालती हैं तो आप समझ लेना कि वो औरत है। और इस तरीके से ग्वालिन से उन लोगों ने भेद लेकर 4th बार चढ़ाई किया और फिर उनको वहाँ से भागना पड़ा। तो संगीदई कैलीदई का कि विजित जो 3 बार इन लोगों ने जीता, आक्रमणकारियों को हराया, उसकी स्मृति में माथे पर 3 गोदना लंबी लकीर वो लोग लगाते हैं। आज भी आप देखेंगे उराव औरतें जो कुड़ुक समाज की कुड़ुक समाज है, औरतें कुड़ुक औरतें, वो 3 गोदना के निशान लगाती हैं। वो विजय का प्रतीक है कि हम लोगों ने परास्त किया था अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए। और उसके बाद फिर वहाँ से रुईदास राजा को किला छोड़ के सोन नदी पार करके वो लोग फिर रांची की ओर प्रस्थान किए थे और यहाँ मुड़मा में मीटिंग हुई। तो ये इलाका तो मुन्नाओं का इलाका था और यहाँ पे मुंडा राजा के साथ में रुईदास राजा और उनकी सेना और पूरे उराव लोगों की मीटिंग हुई कि हम लोग वहाँ से आए हैं, अब हमें तो यहाँ रहने की जगह चाहिए। Share and subscribe.